friends, welcome back to Counting Kilometers. Well, last block में बात तो हुई थी कि कहीं ride पे जाना है और हम निकल भी पड़े हैं. But then अभी अगर आप देखेंगे, शायद आप देख नहीं सकते, पीछे की सीट तो खाली है क्योंकि मैं अभी निकला हूँ घर से and I'm going to pick up Priyanka from Kajal station. She's gone out for the exam. अच्छा अभी बता देना चाहिए ना कहाँ जाने वाले हैं. So the plan is, आज हम जाएंगे वेलास, जहाँ हम टर्टल फेस्टिवल बेसिकली एक अचीवमेंट है जो कोंकण बेल्ट के लोगों ने पाई है. एंड द टर्टल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन द यंग बेबी टर्टल्स हैच आउट ऑफ द एग्स एंड टेक देयर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द ओशन. इट्स अ साइट टू बिहोल्ड. वो देखने के लिए हम जाने वाले हैं. एंड देन टुमारो वी स्टार्ट आवर राइड थ्रू द कोस्टल रूट. हम जाएंगे वेलास से निकल के दापोली, रत्नागिरी, फिर रत्नागिरी से जाएंगे मालवण, मालवण से वेंकुर्ला होके नॉर्थ गोवा, और नॉर्थ गोवा से फिर जाएंगे साउथ गोवा तो पालोले यानी कानपुर महल जो प्लेस है वहाँ तक हम जाने वाले हैं. एंड फिर वापसी में हम आएंगे बेलगांव से होते हुए कोल्हापुर, सातारा, पुणे रूट से. सो इट्स अ वीक लॉन्ग ट्रिप और ये पूरी ट्रिप एक एपिसोड में तो कवर होने वाली है नहीं. तो आज का एपिसोड बेसिकली है स्पेशली टर्टल फेस्टिवल और वेलास मंडनगढ़ एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए. कहीं अच्छा सा होटल ढूंढ के लंच के लिए रुकेंगे, पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए तो राइड करने में भी मज़ा आएगा. मानगांव से अभी अभी निकले और सिटी क्रॉस करते ही अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग गया है. लेफ्ट साइड से निकालते निकालते अभी कम से कम 2 किलोमीटर आ गया हूँ मैं, लेकिन अभी भी आगे की हालत जैसी थी वैसी ही है. पता नहीं अभी और कितने दूर तक ये चलेगा. शायद रास्ते में कहीं सनसेट देखने का भी प्लान फ्लॉप होने वाला है. ऑलरेडी 6:30 बज रहे हैं और सूरज तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे पीछे. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू सेट. वाओ, दिस वाज एपिक. आई मीन रियली एपिक. मानगांव सिटी से जो ट्रैफिक चालू हुआ था, आई एम जस्ट 2 किलोमीटर्स बिफोर लोनेरे. इट्स सम 12 किलोमीटर्स मानगांव टू लोनेरे, मतलब 10 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम. 10 किलोमीटर दोनों साइड से पूरा जाम हुआ है एंड देयर इज नो रीज़न. 4 लेनिंग का काम चल रहा है, डाइवर्जन्स लगे हुए हैं एंड ये अभी जो 4 दिनों का लॉन्ग वीकेंड था होली के लिए, लोग सब कोंकण में जो गए थे वो सब मुंबई के लिए रिटर्न आ रहे हैं और उनको घर पहुँचने की जल्दी है. तो राइट साइड, रॉन्ग साइड, लेफ्ट साइड, जो भी साइड मिले सब साइड से घुसे हुए हैं. ना यहाँ से वहाँ जाने की जगह है ना वहाँ से यहाँ आने की. अल्टीमेटली सब अपनी जगह पे रुके हैं. ये लगता नहीं है कि ये संडे नाइट को तो घर पहुँचेंगे अपने. मैं तो निकल गया कैसे तो. चलो सनसेट तो मिस हो गई, अब तो सिर्फ पहुँचना है वेलास. वी आर स्टैंडिंग राइट एट द बॉर्डर ऑफ रायगढ़ एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. ओवर हियर there is no line which marks a border between these two districts, but this entire creek which is called as Ambed Creek, ये रायगढ़ और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर है. अभी और शायद 50-55 किलोमीटर जाना है वेलास के लिए. मंडनगढ़ तक तो मुझे पता है रोड अच्छा है, मंडनगढ़ के बाद 30 किलोमीटर्स पता नहीं कैसा रोड होगा. फ्रेंड्स, जैसा एस्टिमेट किया था एग्जैक्टली अराउंड 8:45 वेलास में पहुंच गए. ये मेरे पीछे पूरा गांव है
एंड द बीच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम यहाँ। बाइक जा सकती है लेकिन सुबह 6 बजे जाना है टर्टल्स देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत बढ़िया एक प्लेस मिला है रहने के लिए, इट्स अ होम स्टे। होम स्टे मतलब बहुत सी जगह पे देखा है मैंने, नाम होता है होम स्टे लेकिन बहुत से होटल जैसा ही रूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे होम स्टे मतलब एक्चुअली हम यहाँ पे किसी के घर में रहने वाले हैं। एक घर में उन्होंने एक छोटा सा रूम है जिसमें 2 गद्दे डाल के दिए हुए हैं एंड वी आर सेट। खाना भी वही बना के देंगे, कल सुबह नाश्ता भी वही कराएंगे। तो मतलब इससे अच्छा कोंकण में आके, वेड़ास में आके, वेड़ास के किसी बंदे के घर में रह के हम कल सुबह यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब इससे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा रूम आज रात के लिए। ये बेसिकली घर है मिस्टर समीर पेडलेकर का। अच्छा खासा पार्किंग है यहाँ पे, मस्त। इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पड़वी बोला जाता है, तो बेसिकली उनकी पड़वी में मैंने गाड़ी लगाया है। और ये हम चले उनके घर में। प्रॉपर जो कोंकणी आर्किटेक्चर का सी एंट्रेंस पे ये सूर्य नारायण भगवान का कुछ एंट्रेंस पे भी कुछ साइन लगा हुआ है, मस्ट बी सम गुडविल। और इस ये रहा हमारा रूम, कैसा लग रहा है? जहाँ भी जाती है इनको पूरा सामान साथ में लेके ही बैठना होता है। तो अभी फिलहाल तो इट्स डिनर टाइम, प्योर वेज। इनकी वजह से प्योर वेज डिनर करने वाले हैं क्योंकि मैडम फिश वगैरह ज़्यादा खाती नहीं है। बढ़िया खाना था, प्रॉपर गांव वाला टाइप। और उसमें यहाँ की स्पेशलिटी जैकफ्रूट की सब्जी, फर्स्ट टाइम ट्राई की थी मैंने। कुंदन ने पता नहीं खाया होगा पहले, नापोली में कॉलेज में था तब बहुत बार खाया, मेस में बनाते थे। तुम लोग का हॉस्टल का मेस क्या करता था पता नहीं। नहीं, हॉस्टल के मेस में तो मैंने नहीं खाया कभी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अच्छा लगा। चलो अब चल के सोते हैं आराम से क्योंकि सुबह 6 बजे बीच पे जाना है। वो हमारा जो होस्ट है उसने बताया कि 7 बजे वो लोग हैचिंग्स को ओपन करते हैं और बीच की तरफ मतलब समंदर की तरफ छोड़ते हैं, तो 7 बजे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, मतलब 7 से पहले, क्योंकि कोई ना कोई तो लोग और भी रहेंगे तो अच्छी जगह भी मिलनी चाहिए फ़ोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग के हिसाब से। तो 7 से पहले मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ 6:30 बजे तक वहाँ बीच पे पहुँचना है और तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास जाना है यहाँ से, तो 6 बजे निकलेंगे। चलो मिलते हैं फिर सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग और हम ऑलरेडी निकल चुके हैं टर्टल हैचिंग की साइट पे जाने के लिए। टर्टल हैचिंग का टाइम तो 7 बजे का है लेकिन थोड़ा पहले ही जाके बीच एक्सप्लोर करने के हिसाब से निकले हैं। 5 बजे उठ गई थी प्रियंका और ये फ्रेश फेस कहते हैं इसको। गुड मॉर्निंग।
क्या बात है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर। मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को समुंदर की तरफ जाते हुए देखना एंड द वे दे वर क्राउलिंग, इट्स अमेजिंग। कैसा लगा प्रियंका? बढ़िया, मतलब इमेजिन नहीं किया था इतने छोटे होंगे। या एक्चुअली फोटोज में ना वो थोड़े बड़े लगते हैं, ऐसा लगा था कि कम से कम इतना साइज होगा उनका, बट दे आर एक्चुअली दिस स्मॉल। मतलब 2 inch आई कैन टेल यू, बहुत छोटे बहुत छोटे। मतलब सीरियसली इमेजिन नहीं किया था कि इतने छोटे बच्चे होते वो। और वो चलने लगे थे तब मुझे, मैं ऐसे सोच रही थी शायद हम भी ऐसे होते जो बॉर्न होने के बाद चलने लगते। बॉर्न होने के बाद चलने लगते। हाँ यार, ऐसा होता तो मैं अभी तक तो दुनिया देख चुका होता। लाइसेंस मिलने तक 18 साल तो वेस्ट हो गए मेरे, 18 साल में चलते हुए आधी दुनिया देख लेता। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द, आई वोंट से होटल, गो बैक टू आवर होम हियर इन वेलास, और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे दापोली के लिए। तो बेसिकली दिस टर्टल फेस्टिवल के लिए यहाँ आए थे। आई विल ब्रीफ यू अबाउट टर्टल फेस्टिवल। इट्स एक्चुअली लाइक, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वॉलंटियर्स हैं जो 6 महीने काम करते हैं। फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टर्टल्स कम हियर एंड ले द एग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ये लोग उनको जमा करके कंट्रोल्ड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ला के उसको, एग्स को प्रिजर्व करते हैं, एंड अराउंड 65 to 70 days में वो हैचिंग चालू होता है। तो उस हिसाब से दे अनाउंस द डेट्स ऑफ टर्टल फेस्टिवल कि कब हैचिंग चालू होगा और कब तक चलेगा। दिस ईयर फॉर 2019 इट इज 9th March to 30th of April। तो उतने पीरियड में आपको ये नज़ारा देखने को मिल सकता है, दैट्स कॉल्ड टर्टल फेस्टिवल। सो अप नेक्स्ट यहाँ से दापोली, दापोली से फिर आगे कोस्टल रूट से पूरा गोवा तक जाना है। तो ऑल्दो वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग ओवर हियर, इट डजेंट मीन के ये राइड ख़त्म हो गया है। राइड तो अभी 1 हफ्ता चलने वाला है और इसके और एपिसोड्स आते रहेंगे, पूरे कोंकण कोस्ट की ब्यूटी आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आप हमें अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट देन इट्स द राइट टाइम टू डू इट बड़ी। इंस्टाग्राम पे तो लाइव अपडेट्स आते रहेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे अगले हफ्ते अगले व्लॉग में। टिल देन कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।